हेलो बच्चों, क्लास फोर्थ हिंदी में है आपके चैप्टर नंबर सिक्स, जिसका नाम है परख। क्या है परख? परख सबसे पहले हम देखते हैं परख का क्या अर्थ होता है। परख का अर्थ होता है परखने की क्रिया, या किसी को जांचने की जो क्रिया होती है उसको क्या कहते हैं, परख। जैसे कि कोई व्यक्ति होता है, हम उसके गुण व दोष को, वह कैसा व्यक्ति है, तो उसको जांचने के लिए जो उनको जो जांचना पड़ता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको परखना पड़ता है, ऐसे बोला जाता है ना, परख। तो उसको क्या कहते हैं, परखना। ठीक है, तो परख यानी कि जांचने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं परख। तो हम इस चैप्टर को पहले पढ़ते हैं। इसमें है नागार्जुन का नाम आपने अवश्य सुना होगा। इसमें बताया गया है कि भी नागार्जुन का नाम आपने सुना होगा। वे प्राचीन भारत के नामी रसायन शास्त्री थे। कौन थे? जो नागार्जुन जो थे, पुराने जो सबसे पुराने भारत, प्राचीन यानी पुराने भारत के क्या थे, नामी यानी जाने माने, क्या थे, रसायन शास्त्री उसको बोलते हैं जो कि केमिकल पर रिसर्च किया करते थे। अभी भी जो केमिस्ट जिसको आप बोलते हो, जो केमिकल पर रिसर्च करते हैं, कोई भी रसायन पदार्थ जो होता है उस पर उनके गुण बताना, दोष बताना, या उनको किसी और पदार्थ में मिक्स कर उसको नई प्रतिक्रिया जो होती है वह बताना, तो वो क्या थे, रसायन शास्त्री। ठीक है, अपनी प्रयोगशाला में वे दिन रात काम किया करते थे। नागार्जुन जो थे अपनी प्रयोगशाला में रात और दिन काम किया करते थे। उन्होंने अनेक असाध्य रोगों की दवाई तैयार की। अनेक असाध्य यानी कि असाध्य मतलब असाध्य रोगों यानी कि रोग जो बीमारी को क्या बोलते हैं, रोग। और असाध्य रोग यानी कि जिसका कोई ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ना हो सके उसे क्या बोलते हैं, असाध्य रोग की दवाई तैयार की। उनका नाम दूर दूर तक फैल गया, जिससे उनका नाम जो है दूर दूर तक फैल गया। उन्होंने ऐसी दवाई, असाध्य रोगों की दवाई तैयार की, वह जो है फेमस हो गए। एक बार नागार्जुन ने राजा से कहा, ये जो नागार्जुन जो थे रसायन शास्त्री, इन्होंने अपने राजा से कहा, काम बहुत है, संबंध नहीं रहा, कोई सहायक चाहिए। इन्होंने कहा काम तो बहुत सारा है, प्रयोगशाला में बहुत सारा काम होता है, तो बहुत सारा काम है और वह काम जो है उनसे संबंध नहीं रहा है, उसके लिए उनको क्या चाहिए, एक सहायक यानी कि एक हेल्पर चाहिए साथ में, जो उनकी हेल्प कर सके। राजा ने उत्तर दिया, कल हम आपके पास दो योग्य नौजवानों को भेजेंगे, किसी को भी चुन लीजिएगा। ठीक है, तो राजा ने क्या उत्तर दिया कि भाई कल हम जो है आपके पास योग्य, यानी कि योग्य मतलब जो लायक है, आपके जो लायक है यानी कि आपके जो काबिल है, ऐसे नौजवान यानी कि ऐसे जवान को आपके पास भेजेंगे जिसको आप चुन लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में अगले दिन सुबह सुबह दो नौजवान आकर नागार्जुन के दरवाजे पर खड़े हो गए। राजा ने कहा दो भेजेंगे, तो उन्होंने दो भेजे और वह दो सुबह उनके दरवाजे पर आ गए। नागार्जुन ने उन्हें आदर के साथ बैठाया और पूछा कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। उन दोनों को बैठाया और पूछा कि भी तुम में से कौन कितना पढ़ा लिखा है। दोनों एक जैसे पढ़े लिखे थे, यानी कि दोनों जो थे एक जैसे पढ़े लिखे थे, दोनों में सेम काबिलियत थी, उनकी अन्य योग्यताएं भी एक जैसी थी। नागार्जुन चक्कर में पड़ गए कि किसे रखे और किसे ना रखे, किसे जाने दे। आखिर उन्होंने दोनों को एक एक पदार्थ देते हुए कहा, यानी कि उन्होंने दोनों को परखने के लिए क्या किया, एक एक केमिकल दिया दोनों को पदार्थ, और यह क्या है मैं नहीं बताऊंगा, उनको देते हुए कहा कि यह क्या चीज़ है मैं आपको नहीं बताऊंगा, यानी कि यह कौन सा केमिकल है, क्या है, यह चीज़ मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसे खुद पहचानो, यानी कि यह जो पदार्थ जो है, यह जो केमिकल है, इसको आपको खुद को पहचानना है, और इसका कोई भी एक रसायन
अपनी इच्छा अनुसार बनाकर लाना। इस पदार्थ से कोई भी एक रसायन जो है आपको अपनी इच्छा से बनाकर लाओ। फिर मैं सोचूंगा कि किसे अपना सहायक बनाऊं, किसे अपना हेल्पर बनाऊं या किसे नहीं। जो आज्ञा, दोनों युवक ने कहा, वो जो दोनों जवान जो थे उन दोनों ने कहा, जो आज्ञा मैं परसों शाम तुम दोनों की राह देखूंगा। साथ में इन्होंने यह भी कहा कि भाई मैं जो परसों शाम को जो है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अवश्य आचार्य जी, इन दोनों ने कहा अवश्य आचार्य जी। आचार्य किसे कहते हैं? अध्यापक को। कहकर दोनों युवक चलने ही वाले थे कि नागार्जुन ने फिर टोका। जैसे ही वे दोनों जाने वाले थे तो उन्होंने फिर, जब कोई जा रहा होता उनको वापस बुलाकर कुछ कहते तो क्या बोलते, टोका, उन दोनों को टोका। और सुनो, क्या कहा, और सुनो अभी घर जाने से पहले पूरे राजमार्ग को पार करना। ठीक है, क्या कहा, अभी घर जाने से पहले पूरे राजमार्ग को पार करना। राजमार्ग क्या होता है? सार्वजनिक सड़क होती है जहाँ पर लोग आते जाते हैं, यातायात के साधन भी जो है आते जाते रहते हैं, तो वो राजमार्ग। ठीक है, को पार करना। युवकों को आश्चर्य तो हुआ कि राजमार्ग को पार करने के लिए आचार्य क्यों कह रहे हैं। वो जो दोनों युवक थे उन दोनों को आश्चर्य हुआ, एकदम हैरानी हुई कि भैया हमें जो राजमार्ग को पार करने के लिए आचार्य क्यों कह रहे हैं। मगर उन्होंने कोई पूछताछ नहीं की, मगर उन्होंने उनसे वापस से पूछा नहीं कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, वहाँ से जाने को क्यों कह रहे हैं, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा। आचार्य के पांव छूकर वे विदा हो गए। तीसरे दिन शाम होते ही दोनों आ पहुँचे, यानी कि तीन दिन बाद जब तीसरे दिन जब शाम हुई तो वे दोनों आ पहुँचे। एक का चेहरा चमक रहा था और दूसरे का बुझा हुआ था, यानी कि एक तो मतलब खुश था, जो खुशी के मारे जो चेहरा उसका चमक रहा था, और जो दूसरा जो था उदास था और उसका चेहरा जो है एकदम बुझा हुआ था। नागार्जुन ने पहले उसी से पूछा, तुम उदास क्यों हो भाई? आचार्य जी, मैं आपका अपराधी हूँ। युवक की नजरें झुक गई, ऐसा कहा कि भाई मैं आपका अपराधी हूँ, ऐसा कहा और उसकी जो नजरें जो हैं झुक गई। आपके दिए पदार्थ को मैंने तुरंत पहचान लिया, आपने जो पदार्थ मुझे दिया था मैंने उसको पहचान लिया, किंतु उसका कोई भी रसायन मैं तैयार नहीं कर सका, लेकिन मैं उससे कोई भी केमिकल तैयार नहीं कर सका। इस पर पहला युवक तपाक से बोला, यानी कि जो पहला जो खुश युवक था उसने फटाक से बोला, आचार्य जी मैंने रसायन तैयार कर लिया है। नागार्जुन ने उसके बनाए रसायन की जांच की, गुण दोष पूछे, मतलब उसमें क्या अच्छाई है क्या बुराई है सब कुछ पूछा। युवक ने सभी उत्तर जो एकदम सही दिए। दूसरा युवक तो नजरे तक नहीं उठा पा रहा था, लेकिन जो दूसरा युवक था जिसने आते ही कहा था कि भाई मैं आपका अपराधी हूँ, वह जो अपनी नजरे तक उठा नहीं रहा था, बस चुपचाप से खड़ा था। नागार्जुन ने उससे फिर पूछा, तुम रसायन क्यों नहीं बना पाए?